इस बीच एक और बड़ी खबर, बीजेपी भी पूरे देश में अभियान चलाएगी। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी पूरे देश में अभियान चलाएगी, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। राहुल गांधी के खिलाफ ये अभियान चलाया जाएगा। देखिए, लगातार यही हम जानकारी आपको दे रहे थे कि राहुल गांधी को जो सजा हुई है, जो मानहानि का केस उन पर किया गया था, वो उनका बयान मोदी शब्द को लेकर था। और लगातार कहा यह जा रहा है कि ओबीसी समाज को, बीजेपी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि ओबीसी समाज के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया था। और अब जानकारी ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी पूरे देश में एक अभियान चलाएगी राहुल गांधी के खिलाफ, उनके इस बयान के खिलाफ। ये हमला, बीजेपी का कहना है कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नहीं लेकिन ओबीसी समाज पर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी पूरे देश में, राहुल गांधी को लेकर सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि बीजेपी पूरे देश में अभियान चलाएगी। राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था दरअसल उसमें ओबीसी समाज को लेकर बयान था, उन्होंने मोदी शब्द का इस्तेमाल किया था। और इस वजह से उन पर जो ये फैसला आया है उसको बीजेपी का ये कहना है कि ये दरअसल राहुल गांधी का ओबीसी समाज पर बड़ा हमला था। और इसी के तहत सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी का जो राजनीतिक हमला है, वो इस मुद्दे पर होगा कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया, वो ओबीसी समाज के खिलाफ हैं। और ये आप देखिए, दोनों तरफ से रणनीति किसी हद तक साफ होती दिखाई दे रही है।